उत्तराखंड में रोहिंग्याओं की घुसपैठ को लेकर अब पुलिस भी सतर्क हो गई है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि नैनीताल जिले में आने वाले बाहरी रोहिंग्याओं के लिए पुलिस व सभी जांच एजेंसियां सतर्क हो चुकी है। पुलिस जनपद के सभी संभावित क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए हुए है व बाहरी लोगों की जांच व सत्यापन को लेकर भी पुलिस सतर्क हो गई है। इसके साथ ही बताया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो एलआईयू के साथ मिलकर नगर के सभी इलाकों में जाकर संदिग्ध लोगों की जाँच व सत्यापन की कार्रवाई करेंगे। वहीं सत्यापन के दौरान जिन व्यक्तियों के पास सत्यापन से जुड़े किसी भी दस्तावेजों में अनियमितताएं या फिर किसी व्यक्ति के पास दो आधार कार्ड पाए जाते हैं तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि पुलिस द्वारा लगातार घर घर जाकर लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस बीच सत्यापन संबंधित अधिकारी व कर्मचारी द्वारा यदि सत्यापन प्रक्रिया में ढील दी गई तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हर सर्किल ऑफिसर को इसमें नोडल अधिकारी बनाया गया, उनके साथ एक टीम बनाई गई है जिसमें एलए को भी शामिल किया गया। क्या किस तरह से होने हैं इसमें कार्रवाई? इसमें 100% सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। कोई टाइम बाउंड है सर? इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये सत्यापन बहुत लार्ज स्केल पे होना और बड़ी क्वांटिटी में होना। किस तरह की सूचनाएं हैं? अभी कोई क्लियर कट ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है इसलिए इसको बहुत सेंसिटिवली देखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर साफ किया है कि उत्तराखंड में ऐसे व्यक्ति ना आने पाए जिनकी वजह से प्रदेश की स्थिति खराब हो। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश शांत प्रदेश है और हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के ठीक से वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए। इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड ना आए जिनकी वजह से यहां की स्थिति खराब हो। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो, कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो।